बेहतरीन हो गया मेरी तबीयत अब। क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पहली क्लास है? बताओ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। देखो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ। कुछ आज ज्योमेट्री से कुछ नए बच्चे क्लास में आए होंगे, ज्योमेट्री से जिनकी क्लासेस शुरू होंगी। तो भाई, जो क्लास है यार, मैथ सब लोगों को पढ़ना है, पहले से 12वीं तक मैथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक वर्ग को मैथ पढ़ना है, ठीक है? तो पहली से 5वीं में भी गणित पढ़ना है, 9वीं से 10वीं में भी, 11वीं से 12वीं में भी, सब लोगों को गणित पढ़ना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सुबह 10 से 11 आपकी क्लास चलेगी, ये करती रहनी है अपने टाइम पे, आपके सारे टॉपिक खत्म होते चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, जो 9वीं 10वीं में मैथ जिन लोगों का है। आप लोगों को क्लास लगी हुई दिख रही होगी 10 जुलाई से 4 बजे, ठीक है? आपको ये क्लास तो करनी ही करनी है, जनरल पार्ट तो करना ही करना है, एडवांस पार्ट भी आपको करना है, जो चलेगा 4 बजे 10 जुलाई से, ठीक है? तबीयत तो बस ठीक ही है। पटना जा रहा हूं मैं 9 जुलाई को, तो तबीयत जो है पूरे पटना की खराब करके आऊंगा। और जो बच्चे वो थे, दिख जाएगा अब्बू नवाज, घबराओ मत, दिख जाएगा। जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तुम लोगों की मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा, क्योंकि अभी हमारा एक दिन बचता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हाँ, पटना में मीटअप भी कह सकते हैं, सेमिनार है। जिनका मैथ सब्जेक्ट है 9वीं 10वीं में, उन्हें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान रहे, 10 जुलाई से 4 बजे एडवांस पार्ट भी पढ़ना है। बेसिक तो सबके में ही आएगा, ठीक? बेसिक तो सबको ही पढ़ना है, आप लोगों को उन चीजों का एडवांस पार्ट भी पढ़ना है जिनका मैथ सब्जेक्ट है। बिल्कुल साहिल जी, जरूर करेंगे। पहली से 12वीं के लिए अगर मैथ आप एक सामान्य विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो 10 से 11 हर किसी को पढ़ना है। 11 से 12, 9वीं से 10वीं, पहली से 5वीं, ये 10 से 11 तो सबको पढ़ना है। जनरल पेपर की क्लास है तो सबको पढ़नी है। सब DSSSB TGT पूरा कवर नहीं हो पाएगा रजनीपाल जी, उससे इनका और आपका सिलेबस अलग है। हाँ, हो जाएगा, 51% कवर हो जाएगा। बाकी रोहित नामा सर वाली क्लास देखो, उससे पूरा कवर हो जाएगा।
अच्छा प्रियंका कह रही है ये भी एडवांस से कम नहीं। किस कौन से टेट में शंभू? मीनू शर्मा जी यूट्यूब पे तो मैं सी टेट वाला पढ़ाता हूँ 3 बजे। सी टेट का एग्जाम नहीं निकला तो बीपीएससी में फॉर्म डाल सकती हूँ? डाल सकते हो, लेकिन अगस्त वाला निकलना चाहिए। मैथ का प्रैक्टिस कहाँ से करें? कोई भी ऐसा एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करवाता हो पिछले सालों में, उससे करिए प्रैक्टिस। वही वाला प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उससे आसान पूछा तो आप अपने आप कर लोगे, वो पूछा तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। सब चीजें होंगी। अब बुलावा, हाँ राज राजपूत 10 से 11। बढ़ जा भाई, बालक इंतजार में। पूछ लो तब तक जिसके जो जो सवाल है। 9वीं से 10वीं अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है अब्दुल मतीन जी, सुबह 10 से 11 और 4 से 5 दोनों टाइम मैथ पढ़ना पड़ेगा। रोहित सर का मैथ कम समझ आता है, आएगा समझ आएगा। टीचर के समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बालकों के समझने में होती है। बता तो दिया भाई विपुल, तेरे बताने के चक्कर में 4 को डाउट और हो गया कि आपका कराया हुआ इनफ नहीं है क्या? इनफ है, मोर देन। शंभू जी जो 40 नंबर वाला पार्ट है ना, उसमें गणित आना है भाई। जैसे 80 नंबर का सब्जेक्ट है, 40 नंबर का वो है हमारा जनरल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ भी है, रीजनिंग भी, उसमें आएगा। प्लस जो आपके 80 नंबर का पेपर होगा ना, उसमें भी कुछ सवाल डाल लेंगे, क्योंकि आपका 10वीं तक का गणित है, तो उसमें भी सवाल डाल सकते। सोशल साइंस है, 4 to 5 नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ संजू जी, कल नहीं करेंगे प्रियंका जी, खराब ही रखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, पीजीटी में कितना मैथ आने के चांसेस हैं? तो जितना बोला हुआ उतना ही आएगा, 80 नंबर का तो मैथ आएगा ही आएगा, और बाकी वाले जनरल पार्ट में कुछ सवाल आएंगे। तो आज ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, और ज्योमेट्री शुरू करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ कि ज्योमेट्री के जो पिताजी हैं वो हैं यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड क्या है? फादर ऑफ ज्योमेट्री है। अच्छा, इस लाइन को हिंदी में कैसे लिखते होंगे बताओ? इस लाइन को हिंदी में कैसे लिखते होंगे? जैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ा फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो हिंदी में क्या लिखते होंगे कि ज्यामिति के पिताजी जो है वो यूक्लिड है?
बताओ। ज्यामिति के जनक। अच्छा, तो भाई यूक्लिड जो है ज्यामिति के जनक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यूक्लिड ने एक बात कही थी। बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था पॉइंट, लाइन और प्लेन। बताओ प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं कि समतल कहते हैं? पॉइंट, लाइन, प्लेन की कोई डेफिनेशन नहीं है? उन्होंने कहा था ये तीन की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, पूरी ज्यामिति को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आओ हिंदी में समझो। बिंदु, रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, समतल। तीन परिभाषा रहित, तीन परिभाषा रहित परी पे मात्रा उल्टी हो गई है शायद। तीन परिभाषा रहित पूरी ज्यामिति को परिभाषित करते हैं। ठीक है, क्लियर? छोटी आएगी, बहुत बढ़िया। पूरी ज्यामिति को परिभाषित करते हैं। पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये तीन ऐसी टर्म है। यूक्लिड ने खुद दी थी ये टर्म, खुद इन तीन चीजों के बारे में बताया था और कहा था ये तीन परिभाषा रहित चीजें जिनकी कोई परिभाषा नहीं है, कुछ सटीक परिभाषा नहीं है, ये पूरी ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने पॉइंट की क्या परिभाषा पढ़ी होगी, अगर मैं आप लोगों को कहूं क्या ये पॉइंट है बताओ, जो मैंने यहां पर खींचा, मैं दिख नहीं रहा होगा, क्या ये पॉइंट है बताओ। है पॉइंट है? अच्छा भाई, क्या ये पॉइंट नहीं है जो इसके अंदर मैंने लगाया अभी व्हाइट कलर का? ये पॉइंट की बात चल रही थी। अच्छा, ये जो इसके अंदर व्हाइट व्हाइट लगा दिया मैंने, क्या ये पॉइंट नहीं है? ये वो पॉइंट था जिसकी आप बात कर रहे थे, क्या ये पॉइंट नहीं है बताओ। तो भाई बिंदु की कोई परिभाषा नहीं है, आप जितना जूम करके देखोगे आपको नजर आएगा कि पॉइंट ये था ही नहीं जो पॉइंट आपने लगाया है। क्लियर है? ऐसे ही लाइन की कोई परिभाषा नहीं होती है और किसी भी दी गई लाइन की लंबाई को नापा नहीं जा सकता। ठीक, क्या ये मैंने शायद तुम लोगों को, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था, इरेशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्या जो होती है जिसे √2 है, उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है कितनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर पर भाई बालको, मैं तुम लोगों के सामने ये नंबर लाइन बना देता हूं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, ये -1 है। ऐसे ये संख्या रेखा मैंने आप लोगों के सामने बना दी। ये एक मैंने वर्ग बनाया जिसकी भुजा कितनी है, 1 है। ये एक वर्ग बनाया जिसकी भुजा कितनी है, 1 है। ये एक मैंने वर्ग बना दिया जिसकी भुजा कितनी है, 1 है। इसका विकर्ण कितना होगा, ये विकर्ण कितना होगा, ये लंबाई कितनी होगी, बताओ। ये 1 है, ये 1 है, इसकी इस भुजा की लंबाई होगी √2, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आप इसे एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे, ये 1, ये 1, तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं, बन गया एक सर्किल। अब ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हो, ये जो आप लंबाई देख रहे हो, ये लंबाई क्या है, √2 है। लेकिन क्या आप इस लंबाई को नाप सकते हो, जिसे ये √2 है, और मैं आपको कहूं कि इसे नाप लो। चलो आप जब नापने जाओगे, आप देखोगे 1.5 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। आप जब इसी पार्ट को जूम करोगे और गहनता से देखोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो ज्यादा बड़ी लाइन खींच दी मैंने, ये तो 4-5 पॉइंटों को कवर कर रही है, कोई एक जगह से थोड़े गुजर रही है ये लाइन, ये तो बहुत पॉइंटों को दबाकर चल रही है। तो हम एक बारीक लाइन खींच लेंगे ऐसे कि ये है हमारी लाइन ये, और जब इस लाइन के हिसाब से आप नापोगे तो 1.4 आ जाएगा शायद, हो सकता है। अब आपका आंसर आ जाएगी 1.5 नहीं, 1.4 होगा। भाई थोड़ा और जब आप गहनता से नापने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा लाइन का केंद्र आपने गलत ले लिया। लाइन के लिए आपको बिंदु कहाँ लेना था, यहां लेना था। इसके भी बीच में मैंने देखो एक बिंदु लगा दिया लाल रंग का, देख रहे होंगे छोटा सा बिंदु। तो लाइन पॉइंट और प्लेन कुछ होता ही नहीं है, ये बस यूक्लिड ने ज्योमेट्री बनाने के लिए तीन इमेजिनरी चीजें कही थी, इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी, ठीक। यूक्लिड ने आगे चल के हमें दिए क्या, एक्सियम्स। तो किसी भी लाइन की लंबाई नापी नहीं जा सकती। ये क्वेश्चन मैंने केवीएस के इंटरव्यू में भी बहुत बच्चों से पूछा, नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, क्यों, क्योंकि टीचरों से थोड़े पढ़ते हो तुम, कार्टूनों से पढ़ते हो, उन्हें बस 2×2=4 बताना है तुम्हें, कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ना तुम्हें देनी ना उनके पास है। तो पॉइंट लाइन प्लेन की कोई परिभाषा नहीं है, आपको कह दिया जाता है पॉइंट की परिभाषा एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 है, पॉइंट की परिभाषा ये है। अब बताओ 0 रेडियस का सर्किल आप कैसे खींच सकते हैं, आप खींच ही नहीं पाएंगे। आपको लाइन की परिभाषा बताई जाती है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चौड़ाई 0 है और लेंथ इनफाइनाइट है, एक ऐसा आयत जिसकी चौड़ाई 0 है और लेंथ क्या, इनफाइनाइट। क्या बिना चौड़ाई वाला आयत बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हुई। हाँ है विनीता कुमारी जी है। अब ये सारी चीजें हो गई। दूसरा, हमें कुछ एक्सियम्स देकर गए थे यूक्लिड जी, जिन्हें हम कहते हैं स्वयं सिद्धियां, स्वयं सिद्धियां, और ये अपने आप में सिद्ध होते हैं, जैसे इनकी परिभाषा वैसे ये होते हैं। जैसे उनमें से एक है कि ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, मतलब अगर ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ऑटोमेटिक ए सी के बराबर होगा,
इस चीज को कोई प्रूफ नहीं कर सकता। तो गणित में उन्होंने कहा था कुछ एक्जियम्स होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ अभिग्रहंत होते हैं, जिन्हें हमें ग्रहण करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते। तो पॉइंट लाइन प्लेन को हम प्रूव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितनी परिभाषाएं हैं वो सिंबॉलिक है, बस अर्थ को बाहर लाने के लिए है, वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन ये तीन चीजें जिनकी खुद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सब चीजें इन्हीं से बनी है। पहले पॉइंट आया, पॉइंट बहुत सारे पॉइंट मिले तो लाइन बनी, लाइन आई तो लाइनों ने कट करना शुरू किया और वो आगे चल के कोण बना देती है। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट पर, पॉइंट यानी कि बिंदु। बिंदु को डिनोट किया जाता है भाई ऐसे, ठीक है, क्लियर। परिभाषाओं पे बात नहीं करेंगे, परिभाषाएं ना है ना वो सटीक है। लाइन यानी कि रेखा, रेखा भैया जी है एबी, ऐसे डिनोट किया जाता है रेखा को, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाया जाता है। रेखा के बाद हम आ जाते हैं रे पर, रे बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, किरण, ठीक है, रेखा की छोटी बहन थी किरण, ऐसे। रे जो होती है एक पॉइंट से शुरू होती है, एक तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये क्या हो गई, किरण हो गई। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है रेखा किरण के बाद जो अगली चीज आ जाती है, रे किरण के बाद वो आ गया लाइन सेगमेंट, यानी पूरी लाइन का एक छोटा सेगमेंट जिसे कहा जाता है रेखा खंड, इसे डिनोट किया जाता है ऐसे, क्लियर है, ठीक। रेखा में दोनों तरफ एरो है, इसमें एक तरफ एरो, इसमें कोई भी एरो नहीं है, रेखा खंड एक रेखा का छोटा भाग होता है, ठीक है, पूरा भाग नहीं होता, जैसे ये ऐसे, यहां पर ए और बी डिनोट कर रहे हैं कि कोई दो बिंदु है जिनसे एक लाइन गुजर रही है, ये एक बिंदु है जिससे एक लाइन शुरू हुई है, ये पूरी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब एक प्लेन में, प्लेन क्या होता है, एक रेक्टेंगल है जो कि जिसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ की कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब वो हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेवल तक फैला हुआ है, ठीक है, क्लियर। जैसे आप जहां खड़े हैं वो प्लेन बोल सकते हैं, एक सेकंड के लिए इमेजिनरी है, कुछ नहीं प्लेन वैसे, ना लाइन कुछ होती, ना पॉइंट कुछ होता, ना प्लेन कुछ होता, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं। जैसे मेरा बोर्ड है, इसे प्लेन मान लो, ठीक, एक समतल है जिसमें लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, ब्रेड्थ की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन है लिमिट है, ठीक है। तो अब प्लेन में जब आप एक प्लेन में लाइन छोड़ देंगे, प्लेन में अगर आप छोड़ दें लाइन 3D प्लेन में, ये तो 2D प्लेन है, बस दो दिशाओं में फैले हुए, लेकिन मान लिया आपने हवा में दो लाइनें छोड़ दी, तो जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को मिलेंगी, वो ऐसे भी जा सकती है, ठीक, वो हो सकता है कोई यूं जा रही हो, कोई यूं जा रही हो, क्लियर। लेकिन प्लेन में लाइन को स्टडी करना बहुत आसान है, जब आपने मान लिया प्लेन में लाइनें ड्रॉ करना शुरू किया ऐसे, ये प्लेन में बहुत सारी लाइनें हैं, ये क्या होगा इन लाइनों के साथ, इनके साथ कुछ परिस्थितियां आएंगी जब प्लेन में आप लाइनों को दौड़ा देते हैं, कुछ स्थितियां आएंगी। सबसे पहले ये लाइन क्या कर सकती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे ये दो रेखाएं हैं और ये क्या कर गई, एक दूसरे को कट कर गई, क्लियर, ऐसे।
इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है या एक दूसरे के समांतर चल सकती है, यानी कि पैरेलल चल सकती है। एक दूसरे के क्या चल सकती हैं? पैरेलल चल सकती हैं, अर्थात उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर बना रहे। प्लेन में ये हो सकता है, ठीक है, या तो कट करेंगी या ऐसे चलती रहेंगी। क्या तीसरी कंडीशन भी हो सकती है? बिल्कुल, जैसे रेल की पटरी, जिसे तुम और तुम्हारा प्यार बराबर दूरी बनी हुई है। विक्रम, अगर आपको मैथ वाला पार्ट देखना है तो वो यही है, ज्योमेट्री से शुरू हुआ है। और अगर तुम टीजीटी की बात कर रहे हो तो मंडे 10 जुलाई 4 बजे से शुरू हो जाएगा। बाकी बातें बाद में भाई। अलीमान अंसारी 10 जुलाई 4 से 5। बिल्कुल सही, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एक पार्ट है जो आप लोग कह रहे परपेंडिकुलर लाइंस। और बताओ, कंकरेंट लाइंस भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन एक प्रकार की रेखा और होती है, क्या वो जानते हैं आप लोग? ये बस गली की रेखा के बारे में ही सुना है सबने, किसी की दोस्त रेखा। तीसरी, को इंसिडेंट लाइंस। बताओ हिंदी में क्या कहेंगे? को इंसिडेंट लाइंस, ये वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। ये वो प्यार है जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारे वाले प्यार की तरह नहीं है कि बराबर दूरी मेंटेन है। तो कोइंसिडेंट लाइंस वो होती है जो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है। बिल्कुल सही, इन्हें कहते हैं संपाती रेखाएं। इन्हें क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। चलो, बीच में कुछ बच्चों ने मुझे कहा कंकरेंट लाइंस, बीच में कुछ बच्चों ने कहा, अब इन्हीं का ही मतलब सब टाइप है। इंटरसेक्टिंग में दो तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती है, एक आपका पॉइंट बन जाता कंकरेंट लाइंस। बताओ कंकरेंट लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? बता मैं देता हूं, कंकरेंट लाइंस होती हैं जो एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा लाइन निकल जाए उन्हें कंकरेंट कहते हैं, ठीक है। जब दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से निकल जाए उन्हें कंकरेंट कहते हैं। बिल्कुल सही, समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखा, ठीक है, ये आपकी समवर्ती रेखा। प्रतिच्छेदी तो इंटरसेक्टिंग हो गई, तिर्यक हो गई जो टच करके निकल जाती है किसी को। पॉइंट नंबर 5, अब पहले एंगल को स्टडी करते हैं फिर परपेंडिकुलर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई लाइंस। अब मान्यवर, लाइंस के इंटरसेक्ट करने से बनता है क्या? एंगल, ठीक है, क्या बनता है? एंगल, कोण। जिसे हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब कोण को स्टडी कर लेते हैं भाई, कोण कैसे कैसे होते हैं, एंगल कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आपका कोण ऐसे है,
मतलब अगर ऐसे है तो ये कहलाता है 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान रखना, इससे छोटा, राइट एंगल से छोटा एक्यूट एंगल बन जाता है, न्यून कोण बन जाता है। ये वो कोण होता है जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। पॉइंट समझ आया? समकोण यहां है ऐसे, इससे छोटा कर दिया, यूं आपने झुका दिया तो एक्यूट बन गया, इससे बड़ा कर दिया अगर आपने तो क्या बन गया, अधिक कोण बन गया, ऑब्ट्यूस बन गया। नब्बे से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, अर्थात एक दो तरीके के कोण और आपकी जिंदगी में है। एक कोण का नाम है स्ट्रेट एंगल, यानी कि क्षैतिज कोण। क्षितिज कोण जो होते हैं भाई, पूरे सीधे के सीधे होते हैं, ये रहे क्षितिज कोण। ठीक है, 180 डिग्री पूरे स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, सीधे क्षितिज। अब भैया जी एक और आ जाते हैं जो संपूर्ण होते हैं, ई कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण, अर्थात ये जो कि 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, जैसे वो 180 डिग्री है, 360 डिग्री होते हैं। क्लियर। अब बीच बीच में कुछ बच्चे एक नाम लिख रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल अर्थात प्रतिवृत्त कोण, ये परछाई कोण होता है। जैसे आपका कोण है कितना, आपका कोण है 70 डिग्री, तो आपके इधर कितना बच गया बताओ, इधर कितना बच गया आपके, अगर 70 डिग्री है तो आपके इधर कितना है। हाँ, प्रतिवृत्त, रिजु कोण बोलते हैं स्ट्रेट एंगल को। आपके इधर बच गया भाई 290 डिग्री। ठीक है, जैसे आपका कोण कितना है, 100 डिग्री है मान लिया, तो आपका प्रतिवृत्त कोण क्या होगा। प्रतिवृत्त कोण क्या होगा, प्रतिवृत्त कोण होता है किसी भी कोण को 360 में से घटा दो, प्रतिवृत्त कोण आ जाता है। ठीक है, पूरा 360 होता है क्योंकि ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। एडजेसेंट एंगल समझते हैं, आसन कोण, जैसा इसका नाम है वैसा ये है भी, मतलब जिससे आपने आसन लगा रखा है, मतलब जैसे ये दो कोण हैं एक दूसरे को आसन लगाए बैठे हुए हैं, ये दो कोण हैं अल्फा और बीटा, इन जिन में एक लाइन कॉमन हो, मतलब एक दूसरे को कमर लगा के बैठे हुए, ये होता है आसन कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब अगर ऐसा आसन लग जाए कि एक सीधी रेखा ही बन रही हो आपके बीच, एक ऐसा आसन बन जाए जिसमें एक सीधी रेखा ही बन रही हो, तो आपको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर अर्थात रैखिक युग्म। अगर आपका और आपके साथी का योग 180 डिग्री आ रहा हो तो आपको लीनियर पेयर भी कहा जाता है।
बस मनी से भी स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मिनट में, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जा भाई। मनीष तुम्हें छात्र कहूं कि चुटकुला कहूं, कभी तुमने देखा किसी क्लास में तुम ऑफलाइन क्लास पढ़ने गए हो, टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो और तुम में इतनी हिम्मत हो गई हो कि तुम खड़े हो गए टीचर से पूछो सर आज इंग्लिश की क्लास किस टाइम होगी, इतनी हिम्मत करी है कभी? बता भाई, अब बता मुझे, छात्र कहें कि चुटकुला कहें, ठीक है? तो ये हो गया रैखिक युग्म। अब बाल को जैसे कमेंट में एक बच्चे ने कहा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, एक बच्चे ने कहा पूरक और संपूरक, इनकी हिंदी ना बड़ी गलत होती है, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा कहीं पर कुछ मिलेगा, मतलब कोटि पूरक संपूरक 50 नाम है, तो आप इन्हें कभी भी कोशिश करो तो देखने की कोशिश इंग्लिश में करना, ठीक है? क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जो, ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे को क्या बनाते हो, 180 डिग्री बनाते हो, मतलब अगर आप 30 हैं तो आपका सप्लीमेंट्री 150 होगा, आप 100 हैं तो आपका सप्लीमेंट्री 80 होगा, आप भैया 95 हैं तो आपका सप्लीमेंट्री 85 होगा। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे तो उन्हें आम भाषा में लड़के कहते हैं जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, झूठे कॉम्प्लीमेंट, बाबू तुम सबसे खूबसूरत हो, गलत लिख दिया मैंने, सही तो लिखा, कोटि पूरक 90 होते हैं, पूरक 180 होते हैं, पूरक को संपूरक भी बोल देते हैं। ये हिंदी पे मत जाना, इनकी हर जगह 50 जगह तुम्हें अलग हिंदी मिलेगी, पेपरों में गलत हिंदी आती है, ठीक है? सप्लीमेंट्री से ध्यान रखना, इसे इंग्लिश में याद रखना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, और 95 85 वो एंगल जो आपको बना दे भैया क्या, जो बना दे आपको 90 डिग्री, ठीक है? जैसे 48 को 90 कौन बना सकता है, 42 बना सकता है, ठीक है? जैसे 50 को 90 कौन बना सकता है, 40 बना सकता है, जैसे 35 को 90 कौन बना सकता है, 55 बना सकता मनीष। डिस्टरबेंस क्लास के अंत के 5 मिनट में भाई, अगर ये सब लोग ये कह के पूछने पर आ गए ना कि हमने पैसे दिए और कुछ पूछ लेते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी जिस चीज के लिए पैसे दिए, समझ आ गया? बिल्कुल सही। अब एक बच्चा बीच में कह रहा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं कि देखो अगर ये एंगल आपका मान लेते हैं 50 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग? अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? हाँ शीर्ष विमुख कोण भी बोलते हैं, विमुख नहीं विमुख,
अगर ये 50 है तो भैया जी 130 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बने हुए दो कोण हैं। इन दो कोणों की बात करें तो सीधी रेखा पर बने हुए ये 50 है तो इसे 130 होना ही पड़ेगा। अच्छा 50 है ये 130 है तो E कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा? तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। आप इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे घर में दो दो आदमी मास्टर हैं, लेकिन घर में पेन नहीं है, ना किताबें ना प्लेन कॉपी मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, लगता ही नहीं कि इनके घर में कोई टीचर हो। ये देखो ये पेन है, एक पेंसिल पड़ी हुई है, टूटी एक ये पड़ा हुआ। असल में मैथ जो सब्जेक्ट है ना, पढ़ाना दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें ना तो आपको कोई कॉपी चाहिए होती, ना कोई किताब चाहिए होती। एक बार जब आप खुद पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री की तरह थोड़े है, रोज जाके रट्टा मारना पड़ेगा, या फिर बायो की तरह की रोज रट्टा मारना पड़ेगा। हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, मैथ है, सब तर्क पर आधारित है। एक चीज से दूसरी चीज अपने आप निकलती चली जाती है। एक आधी चीज मैं बोलता हूँ, तुम लोग कमेंट में पूछ लेते हो, मुझे याद आ जाती है, मैं बता देता हूँ। तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। एज ए टीचर कभी आपको टीचर बनना हो, गणित के टीचर बनो, कोई किताब विताब कुछ नहीं चाहिए, सब यही रहता है। तो सिर्फ विमुख कोण पर आते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जैसे ही आप इस वाली को मोड़ोगे, देखो ये अपने आमने सामने का एंगल मेंटेन कर रही है। जब ये एक दूसरे को कट करती हैं तो ये हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे को आमने सामने इंटरसेक्ट करती हैं और अपने सामने का एंगल बना के रखती है। मैं इस लाइन को यूं खींचूंगा तो इधर से भी ऊपर बढ़ेगी, यूं प्रॉपर मेंटेन करा जाएगा चैनल। ऐसे अगर मैं इस वाली लाइन को यूं कर दूं तो देखो, नहीं इस वाली को नीचे कर देते हैं, बताओ मैंने इस वाली लाइन को यूं कर दिया तो एंगल मेंटेन किया इसने सामने वाला, ठीक है, क्लियर है। नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर देना ही मैथ में ही होता है। हिस्ट्री विस्ट्री में कितने भी बड़े टीचरों में हमेशा देखता हूं अपने पास एक यूं कॉपी सामने रखेंगे, हमेशा अपनी पीपीटी में आंसर लेके जाएंगे, किताब विताब सामने रखते, एक तरफ एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, एक तरफ किताबें खोल के रखेंगे। बहुत अध्ययन का विषय है हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब में मतलब बहुत हुआ, किसी को याद नहीं रहती सब चीजें। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब जितनी जानकारी आपने अब तक ग्रहण की, अब इसका हमला करना है आपको पैरेलल लाइंस पर। किस पर हमला करना है? पैरेलल लाइन पर भैया। ये दो पैरेलल लाइन है, इन्हें एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया। किसने? ट्रांसवर्सल ने, बताइए ट्रांसवर्सल को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट कर दिया। पैरेलल लाइन जो होती है आपकी बहुरूपिया होती है, मतलब जैसा आप यहां कर रहे हैं वैसा ही आपसे थोड़ी दूरी पर कोई और कर रहा है, ठीक। यानी जैसी ये रेखा है बिल्कुल इसी की परछाई दूसरी जगह, बिल्कुल हूबहू सेम लाइन दूसरी जगह। मान लिया अगर आप ये एंगल 35 डिग्री लेकर चल रहे हैं तो ये यहां भी कितने पर कट करेगा? 35 डिग्री पर कट करेगा, ठीक है। यहां 35 पर कट किया है तो यहां भी 35 पर कट करेगा, ठीक है। छेदक नहीं बोलते इसे, बोलते तिर्यक रेखा, ठीक है, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। अब ट्रांसवर्सल अगर यहां 35 पर कट किया तो यहां भी 35 पर कट करेगा। ये एक चक्कू की तरह है, जब आप एक चक्कू से खीरे को काटते हो तो हर पॉइंट पर सेम एंगल पर कट होता चला जाता है। एक जब भी आप कोई स्लांट देखेंगे, कोई ढाल देखेंगे, आप उस ढाल का एंगल यहां निकाल लो, यहां निकाल लो, कहीं निकाल लो, ढाल का एंगल तो सेम ही रहेगा ना। जैसे सीधा हाथ है मेरा, ये 90 डिग्री है, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ये 30-60 डिग्री बना दिया मैंने। इसे आप यहां देख लो 60 डिग्री है, इसे यहां देख लो 60 डिग्री है, यहां देख लो 60 डिग्री है, और ढाल बराबर रहता है, ठीक है।
तो ये बराबर रहेगा। तो ये 35 तो ये भी 35। अब मुझे बताओ अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा। बताइए एक 145, 145 भैया, 145 कमा लियो आप लोग, तो इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे। और जब ये 145 है तो क्या ये भी 145 नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी 35 होगा, ये भी 35, ये 145, ये भी 100, मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर, ये सब बराबर होंगे। मतलब जैसे चार एंगल यहां बने वैसे ही चार एंगल यहां बनेंगे। इनके नाम की अगर मैं आपको बात करूं तो नाम बता देता हूं, देखो आ जाओ। इन्हें बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर एक जैसी परिस्थिति में दो चीजें हैं तो उन्हें कोरस्पोंडिंग बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिय बालक जनों, संगत कोण बोलते हैं। मतलब एक ही स्थिति में, जैसे तुम भी कहीं प्राइमरी के टीचर हो, कोई और भी प्राइमरी का टीचर है, जैसे ये दोनों भी क्या है, संगत कोण है। ये दोनों भी संगत कोण है, ये हो गए संगत कोण। दूसरे आते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक, क्या आते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट में ये तो हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर, इन नामों की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। एकांतर बाह्य, ठीक है, ये, और फिर उधर बाहर वाला। मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है आप इधर देख रहे थे, अब इधर देखो, और इधर बाहर वाला, इधर बाहर वाला, ऐसे ही अंदर भी होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये है अल्टरनेट इंटीरियर। इन्हें बोलते हैं एकांतर अंत है। ठीक है, ये इनके नाम है भाई। कोरस्पोंडिंग जो आप जैसी सेम परिस्थिति में, अल्टरनेट जो दूसरी तरफ जाके, जैसे ये 145 तो ये भी 145, ये 35 तो, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता हूं। मेरा सिंपल ये कहना है, दो पैरेलल लाइन है, जो काम यहां होगा ना वही यहां भी होगा, जो काम यहां हुआ है वो यहां भी होगा, जो काम यहां हो रहा है वो यहां भी हो रहा है। तो वो आप ऐसे देखिए, जो चार चीजें यहां है वो चार चीजें यहां भी है। ठीक है, इस पर कल हम प्रश्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहता था, मन तो नहीं था लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ बता दूं। तो जो भी बच्चे बालक जन है हमसे जुड़े हुए किसी भी प्रकार से, हम पटना आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये ज्ञान भवन ऑडिटोरियम में हो रहा है 9 जुलाई को, लगभग 3:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। इसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, 4-5 हजार तक के गिफ्ट्स हैं। आप आओगे तो फ्री में चीजें दी जाएंगी, लेकिन फ्री की चीजों के लिए मत आना, अपने मास्टरों से मिलना हो तो ही आना। वैसे हाँ, जैसे किताबें मिलेंगी, टी शर्ट मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
तो 4-5 हजार के गिफ्ट हर बच्चे को दिए जाएंगे जितने बच्चे आएंगे। तो पटना टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आ रही है, 9 जुलाई 2023 को आप मिलना चाहते हैं तो ज्ञान भवन ऑडिटोरियम में आ सकते हैं। ज्योति जी कभी उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड तो हम आते ही रहते हैं। ठीक है, पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच मिलेगी जिस दिन कुछ पीडीएफ का काम होगा, अभी तो पीडीएफ का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, गोविंद शाम को 8 से 9 पैडागोजी वाली क्लास। जो नहीं आएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते। जाते समय एक फीडबैक फॉर्म आएगा, भर के जाइएगा, आपको कैसा समझ आया, मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा।